नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। ठीक है, तो जैसा कि फ्रेंड्स आपका सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का जो आपका आंसर की है वो दोस्तों आपको 18 तारीख को आ चुका था। ठीक है, तो आप लोग से मैंने जैसा कि वादा किया था कि आपको जो एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है दोस्तों आपको आंसर की आने के बाद बताएंगे। तो आप लोग ने बहुत सारे मैसेज भी किए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट को हमने जवाब भी दिया है, लेकिन मैसेज का जो संख्या है बहुत ज़्यादा हो जाने के कारण मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है वो हम आपको बताएंगे कि आपका सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो आपके आंसर की आने के बाद वो दोस्तों आपका क्या रहने वाला है। ठीक है, क्या रहने वाला है, इसके साथ ही हम लोग बात करेंगे कि आपका आंसर की के बाद आपका रिजल्ट कब आएगा, नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा, आपका वैकेंसी कितना था। ठीक है, और वैकेंसी था तो कट ऑफ है जो कि आपका कितना आएगा, स्टेट वाइज आएगा या आपका सेंट्रल वाइज आएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो सीआरपीएफ ट्रेसमेंट एग्जाम से रिलेटेड अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन कॉल पर क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों एक हम ओवरव्यू ले लेते हैं आपका सीआरपीएफ एग्जाम का। ठीक है, ओवरव्यू आपका रहेगा कि ये कि आपका जो एग्जाम है, आपका एग्जाम का जो स्वरूप था वो आपका कैसा था। तो एक शॉर्ट में हम लोग लेते हैं तो एग्जाम का जो दोस्तों आपका स्वरूप था वो दोस्तों आपका चार सेक्शन पूछा गया था। चार सेक्शन में दोस्तों आपका एक सेक्शन आपका इंग्लिश और हिंदी का था। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अगला सेक्शन दोस्तों आपका क्या था, तो रीजनिंग का था। ठीक है, रीजनिंग के अलावा आपका मैथ का एक सेक्शन था और मैथ के अलावा आपका एक सेक्शन था आपका जीके जीएस का। ठीक है, तो ये चार सेक्शन से आपके प्रश्न पूछे गए थे। इंग्लिश आपका बहुत कम ही लोगों ने लिया होगा, जो भी लोग आपके हिंदी भाषी क्षेत्र से होंगे, ज़्यादातर आपका यूपी, महाराष्ट्र या आपके जो हो गए मध्य प्रदेश। ठीक है, तो उन लोगों ने आपका ज़्यादातर हिंदी ही लिया है और हिंदी का ही जितने हमने एनालिसिस कराया था तो सारे स्टूडेंट से जो बात हुआ है वो आपका हिंदी लैंग्वेज वाले से ही हुआ था। ठीक है, इसके अलावा हम लोग देख लें एक ब्रीफ आपका कि जो आपका क्या था, लेवल आपका कैसा था, तो रीजनिंग और मैथ का। ठीक है, रीजनिंग और मैथ और हिंदी का जो लेवल था दोस्तों आपका वो आपका इजी टू मॉडरेट था, और जीके जीएस का लेवल था वो दोस्तों जो आपका हार्ड मॉडरेट टू हाई देखा गया था। ठीक है, वो आपका जीके जीएस का लेवल था, जैसा कि हमने आपको पूरे दिन का एनालिसिस भी दिखाया था 1 से लेकर 12 तारीख तक का। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग बात करते हैं कि आपका इसका वैकेंसी कितना नंबर, वैकेंसी आपका कितना था। देखिए वैकेंसी की बात करेंगे तो जो आपका नोटिफिकेशन आया था, ठीक है, कुछ भी बात करेंगे तो वो आप दोस्तों तथ्य के साथ बात करेंगे, जो भी आपको बताएंगे वो दोस्तों आपका नोटिफिकेशन में वो आपका वर्णित था। नोटिफिकेशन जो आपका आया है वो आपका ऑनलाइन उपलब्ध भी है, आप लोग जाकर वहाँ से मिला भी सकते हैं। ठीक है, तो देखिए वैकेंसी दोस्तों आपका जो आया था, वो वैकेंसी दोस्तों आपका जो रिलीज हुआ था वो दोस्तों आपका 9000 वैकेंसी आपका आया था। ठीक है, लेकिन सभी एग्जाम में होता है कि वैकेंसी आपके आने के बाद कुछ वैकेंसी बढ़ता है, लेकिन ये आपका सीआरपीएफ का जो एग्जाम हुआ था वो दोस्तों आपका वैकेंसी थोड़ा सा आपका घट गया था। ठीक है, तो 9000 समथिंग आपका वैकेंसी आया था, वो घट कर दोस्तों आपका 8000 समथिंग आपका जो हो गया था, क्या हो गया था, वैकेंसी हो गया था। ठीक है, तो ये आपका क्या था, वैकेंसी था। ठीक है, इसके अलावा अब बहुत सारे लोगों का सवाल का जवाब भी आ रहा था कि आपका इसका जो कट ऑफ है आपका किस तरह आएगा। ठीक है, तो हम लोग देखिए कट ऑफ की जो बात करेंगे वो दोस्तों आपका जो कट ऑफ है वो दोस्तों आपका सेंट्रल लेवल का नहीं आएगा, कट ऑफ जो आएगा वो दोस्तों आपका स्टेट वाइज कट ऑफ आएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, तो स्टेट वाइज आएगा, लेकिन आप जैसे यूपी के होंगे तो यूपी का कट ऑफ आपका अलग आएगा, इसके अलावा अगर आप बिहार के होंगे तो बिहार का कट ऑफ आपका क्या आएगा, तो अलग आएगा। ठीक है, इसके बाद भी आपका जो कट ऑफ है आपका बिहार का यूपी का अलग अलग तो आएगा ही, साथ में आपका कैटेगरी वाइज भी कट ऑफ आएगा। ठीक है, क्या आएगा, तो कैटेगरी वाइज भी कट ऑफ आएगा। इसका क्या मतलब है कि आपका एक राज्य में कितने प्रकार के कैटेगरी रहते हैं, जैसे कि जो मुख्य तौर पे आपका यूआर हो गए, ईडब्ल्यूएस हो गए, ओबीसी हो गए, एससी हो गए, एसटी हो गए। ठीक है, ये कट ऑफ आपका कैटेगरी वाइज भी आएगा, और तो और जो आपका कट ऑफ है वो दोस्तों आपका ट्रेड वाइज भी आएगा। ठीक है, अलग अलग ट्रेड का अलग कट ऑफ आएगा, जैसे कि कुक का जो होंगे उनका कट ऑफ अलग आएगा। ठीक है, इसी प्रकार टोटल कितना आपका कट ट्रेड है, तो आपका टोटल आपका 15 ट्रेड है। ठीक है, 15 ट्रेड का आपका एग्जाम हुआ था, तो 15 ट्रेड का आपका जो कट ऑफ है आपका अलग अलग आएगा। इसके बाद स्टेट वाइज आपका स्टेट वाइज भी आएगा, जितने भी 32 राज्य हैं 32 राज्यों के कट ऑफ आपके अलग अलग आएंगे, इसके साथ ही आपका कैटेगरीज वाइज भी कट ऑफ आएगा। ठीक है, तो कट ऑफ का गणना करना ये तो थोड़ा सा मुश्किल हो गया था, फिर भी हम आपको बताएंगे कि आपका एक एवरेज स्कोर आपका सभी कास्ट में, ठीक है, सभी कास्ट करने का मतलब है सभी कैटेगरीज में आपका क्या रहने वाला है। ठीक है, उससे पहले बहुत सारे लोगों का जवाब सवाल था कि फॉर्म फिल कितना हुआ था। ठीक है, तो देखिए वैकेंसी दोस्तों मान के चलते हैं कि आपका 9000 ही है, क्योंकि 8000 समथिंग आपका वैकेंसी था, तो आपका जो फॉर्म फिल हुआ था वो दोस्तों आपका जो फॉर्म फिल हुआ है वो दोस्तों आपका हुआ है 20 लाख। ठीक है, फॉर्म फिल कितना हुआ है, तो दोस्तों आपका 20 लाख फॉर्म फिल हुआ है। ठीक है, तो आप लोग को भी मालूम होगा कि फॉर्म फिल तो जितना होता है उसका 50 से 55% स्टूडेंट क्या करते हैं, तो एग्ज़ाम देते हैं है। ठीक है, तो मान लीजिए कि 20 लाख आपका फॉर्म फिल हुआ है, तो स्टूडेंट जो एग्ज़ाम दिए होंगे वो आपका ज़्यादा नहीं 10 से 12
लाख, ठीक है, 10 से 12 लाख स्टूडेंट ही क्या होंगे, अपीयरिंग हुए होंगे एग्जाम के लिए, ठीक है। ये आपका सब एग्जाम का रहता है, छोटा एग्जाम हो चाहे बड़ा एग्जाम हो, चाहे बड़े लेवल का एग्जाम हो, एसएससी का भी जो कोई एग्जाम होता है तो उसमें भी अटेंडेंस आपका 100% कहीं भी नहीं देखा जाता है, आपका जो अटेंडेंस होता है वो दोस्तों आपका 50 से 55% ही आपका रहता है, ठीक है। ये आपका हो गया। इसके अलावा आपका ये एक क्यूरी ये था कि आपका जो ये पीटी के लिए जो आपका जो अगला प्रोसेस होगा इसका सीबीटी एग्जाम के रिजल्ट आने के बाद वो आपका पीटी होगा, इसमें उसमें कितना स्टूडेंट को बुलाया जाएगा, ठीक है। तो उसमें देखिए उसमें कितना लोग को बुलाया जाएगा, तो उसमें दोस्तों आपको साफ साफ लिखा गया था, ठीक है, पीटी के लिए दोस्तों आपका साफ साफ लिखा गया था कि आपको कितना परसेंट लोग को बुलाना है, ठीक है। तो वो नंबर था दोस्तों आपका 8 times, ठीक है, यानी कि 8%, ठीक है। मान लीजिए कि जो आपका वैकेंसी है वो दोस्तों आपका कितना है, तो मान के चलते हैं अभी के लिए कि आपका वैकेंसी आपका 9000 है, तो उसका जो 8 गुना होगा वो दोस्तों आपका होगा 72000, ठीक है। तो 72000 स्टूडेंट को आपको अगले प्रोसेस के लिए बुलाया जाएगा, जो कि दोस्तों आपका क्या होता है तो पीईटी होता है, ठीक है। इसके अलावा आपका जो नोटिफिकेशन में वो भी लिखा गया था कि आपसे 2 से 3 बार बच्चे को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि मतलब 1000 में आपका 24 से 30 हज़ार बच्चे हैं जो कि आपको फिजिकल देने जाएंगे, ठीक है। अब जो सबसे बड़ा जो बात है वो है दोस्तों आपका नॉर्मलाइजेशन का, कि आपका नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए एग्जाम जो आपका हुआ है वो दोस्तों आपका 1 से 12 जुलाई तक हुआ है, ठीक है, एग्जाम को एक दिन में आपका हुआ नहीं है, हर दिन आपका 3 शिफ्ट में एग्जाम था, तो ऑब्वियसली आपका कोई शिफ्ट आपका क्या रहा होगा, तो कोई शिफ्ट आपका ईजी रहा होगा, कोई शिफ्ट आपका मॉडरेट रहा होगा, कोई शिफ्ट आपका हाई रहा होगा, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन का जो प्रक्रिया है दोस्तों वो तो आपका होगा, ठीक है, ये तो आपका कन्फर्म है कि आपका जो नॉर्मलाइजेशन है वो आपका होगा, कितना होगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है, कितना होगा हम लोग उसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए नॉर्मलाइजेशन जो होगा दोस्तों आपको हर बच्चे का, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन में होता क्या है कि आपका कम भी हो सकता है लेकिन ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से, ठीक है, इसमें जो आपका नॉर्मलाइजेशन होगा वो दोस्तों आपका 3 से 10 नंबर के बीच में सबका नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है, कमेगा बहुत कम लोगों का ही या ना के बराबर ही कमेगा, लेकिन आपका जो नंबर बढ़ेगा वो दोस्तों आपका 3 से लेकर 10 नंबर के बीच में सबका नंबर है जो कि आपको बढ़ने वाला है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कट ऑफ की, कि आपका जो कट ऑफ है जो कि आपका क्या रहने वाला, इसका जो एग्जाम का जो कट ऑफ है उसका गणना करना तो बहुत मुश्किल काम है, कि आपको भी मालूम होगा कट ऑफ आपका 400 कट ऑफ आपका आएगा, प्रत्येक राज्य का अलग आएगा, ट्रेड का अलग आएगा, कैटेगरी वाइज आएगा, ठीक है। फिर भी हम आप लोग के डिमांड पर एक आपका रो स्कोर बता देते हैं कि आपका जो रो स्कोर है आपका कैटेगरी वाइज आपका क्या रहने वाला है, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले यूआर का, ठीक है, यूआर का आपका जो रो स्कोर है यानी कि कट ऑफ है आपका क्या रहने वाला है, ये दोस्तों आपका रहने वाला है 60 से 62 नंबर, ठीक है, 60 से 62 नंबर दोस्तों आपका ये कट ऑफ है जो कि आपका रहने वाला है। अब बोलिएगा सर ये आपका ये डेटा आपको कहाँ से मिला, तो डेटा दोस्तों कहाँ से मिला, तो स्टूडेंट के द्वारा आपको कॉमेंट बहुत सारे किए गए थे जब हमने आपका पहले आपका जो कट ऑफ के बारे में वीडियो बनाया था। इसके साथ ही पोल के माध्यम से स्टूडेंट जो आपके होते हैं टेलीग्राम पे मैसेज करते हैं या तो व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, ठीक है, उसके माध्यम से एक डेटा निकाला गया है। तो यूआर का दोस्तों जो कट ऑफ आपका जाने का चांस है वो दोस्तों आपका 60 से 62 नंबर के बीच में जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ की बात करेंगे तो ईडब्ल्यूएस का भी जो कट ऑफ है वो दोस्तों आपका तकरीबन इतना ही देखा गया है, मान के चलते हैं तो 58 से 60, ठीक है, 58 से 60 नंबर दोस्तों आपका ईडब्ल्यूएस का जो आपका है वो दोस्तों आपका कट ऑफ है जो कि रहने वाला है। इतना नंबर आपका है तो आप एक सेफ जोन में हैं और आगे की जो तैयारी होती है वो आप इसका कर सकते हैं, ठीक है। ओबीसी की बात कर लेते हैं हम लोग, तो ओबीसी का जो आपका कट ऑफ का जो गणना किया गया है, जो मिला है एक डेटा के अनुसार, वो दोस्तों आपका मिला है वो दोस्तों आपका 56 से 258 नंबर के बीच में दोस्तों आपका इसका जो कट ऑफ है आपका जाएगा। इसके अलावा एससी की बात करेंगे तो एससी का दोस्तों आपका जो कट ऑफ है आपका 55 से 57 नंबर के बीच जाने की अनुमान है, और आपका एसटी की बात करेंगे तो एसटी का कट ऑफ दोस्तों आपका 53 से 55 नंबर के बीच आपका जो एसटी का कट ऑफ है वो दोस्तों आपका जाएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका एक एक्सपेक्टेड डेटा एक नंबर है, इतना नंबर आपका आ रहा है तो आप सही जोन में हैं और आप अगले जो आपका जो तैयारी है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। और जो लोग हैं जो कि आपका 40-38 नंबर है, 35-36 नंबर है, वो लोग बोल रहे हैं, तो उन लोग को बता दें कि किसी भी एग्जाम का जो कट ऑफ है आपका उतना भी नहीं गिरेगा कि आपका कट ऑफ आपका 38 नंबर जाए या 40 नंबर जाए या 45 नंबर जाए, ठीक है। तो आपको जितना जो भी कैटेगरी में आप हैं, अगर उस कैटेगरी में आपका इतना नंबर आ रहा है तो आप एक सेफ जोन में हैं। देखिए ये जो कट ऑफ है दोस्तों आपका पूरा ओवर इंडिया का लिया गया है, एवरेज बताया गया है, ठीक है, लेकिन ये जो कट ऑफ है आपका किस किस राज्य में बढ़ सकता है, तो वो राज्य जहाँ पर आपके हिंदी भाषी क्षेत्र हिंदी भाषा बोला जाता है, जैसे कि यूपी में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, ठीक है, इन सभी जगहों पर जो आपका वैकेंसी है वो
कम है और दोस्तों आपका जो इस यहाँ का जो पॉपुलेशन है वो दोस्तों आपका ज़्यादा है, तो फॉर्म भी आपका ज़्यादा यहाँ से फिल हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ का जो कट ऑफ है आपका 62 से जा भी सकता है, 65 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है। ठीक है, यूपी बिहार जो भी हिंदी भाषी क्षेत्र होंगे। ठीक है, और बात कर लेते हैं कम का, जहाँ का आपका जनसंख्या कम होगा, यहाँ से फॉर्म फिल कम होगा, जहाँ वहाँ हिंदी भाषा नहीं बोला जाता होगा, तो दोस्तों आपका मान के चलिए तो 50 से 52 नंबर भी आपका वहाँ तक जा सकता है। ठीक है, तो ये तो दोस्तों आपका क्या रहा, एक अनुमानित कट ऑफ रहा। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल का मन का सवाल था रिजल्ट कब आएगा। ठीक है, तो रिजल्ट देखिए एग्जाम अगर आपका कट आंसर की जो आया है उसके मान के चलते हैं 1.5 से 2 महीना के अंदर है, जो कि आपका आंसर की है दोस्तों आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर की तो आ गया है, लेकिन आपका रिजल्ट है जो कि आपका जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अगस्त या सितंबर तक हम मान के चलते हैं कि आपका जो रिजल्ट है वो दोस्तों आपका आ जाएगा। जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि आपका जो एग्जाम आपका 12 को ख़त्म हुआ है, तो एक सप्ताह के अंदर आपका आंसर की आ जाएगा, तो आंसर की आपको 18 जुलाई। ठीक है, तो 18 जुलाई को दोस्तों आपका जो आंसर की है वो दोस्तों आपका आ गया है। ठीक है, चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं सबसे इजी शिफ्ट कौन सा रहा था। ठीक है, तो जब से इजी जो शिफ्ट रहा था वो आपका लास्ट डेट का जो सेकंड शिफ्ट का, यानी कि 12 जुलाई का जो सेकंड शिफ्ट का जो आपका एग्जाम था वो दोस्तों आपका थोड़ा सा इजी लेवल का देखा गया है। ठीक है, ऐसा स्टूडेंट के द्वारा कहा गया था, जो लोग एग्जाम देकर आ रहे थे वही लोग डेटा दिए हैं जो कि हम आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। ठीक है, बाकी जो भी अपडेटें होंगी सीआरपीएफ एग्जाम से रिलेटेड तो आपको यहीं पर मिल जाएगी। बाकी अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहां से ज्वाइन हो जाइए। बाकी जो भी आपकी अपडेट आएगी वो आपको सबसे पहले आपको यहीं पर दी जाएगी। ठीक है, हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।